नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेन वेट। देखिए, मेरी लास्ट वीडियो थी हाउ टू लूज बेली फैट। उसको देखने के बाद बहुत लोगों ने डिमांड करी कि हमें वेट गेन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो विद इन 2 वीक्स आपको असर दिख जाएगा। मैं इस पूरी वीडियो में आपको डाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एक्सरसाइज करके बताऊंगा और कुछ ऐसी बात भी डिस्कस करूंगा जिसको लेके बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। दोस्तों, वेट गेन करने वाले लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। पहला, वो जिनका BMI 18.5 से कम हो, मतलब उनको वेट गेन करना बहुत ही जरूरी है। और सेकंड, हमारे जो दोस्त वेट गेन करना चाहते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, अपना मसल मास इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनकी पर्सनैलिटी और अच्छी दिखे। दोस्तों, दोनों ही केस में एक सेम फॉर्मूला काम करेगा। कैलोरी इनटेक मस्ट बी ग्रेटर देन कैलोरी बर्न। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा एनर्जी वाला खाना खाना है पर कम और इफेक्टिव वर्कआउट भी करना है। अब ज़्यादा एनर्जी वाला खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाने लग जाएं, क्योंकि वो एनर्जी में ज़्यादा होते हैं। आपको हेल्दी वेट गेन करना है, आपका मोटिव होना चाहिए मसल मास इंक्रीज करना, ना कि चर्बी बढ़ाना। अगर चर्बी बढ़ जाती है तो वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज करके बता देता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज करता है तो उसे वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब वेट ट्रेनिंग करेंगे, मेरे पास कुछ वेट है, मैं उन वेट से एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा। आप अगर घर पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो आप कोई ब्रिक ले सकते हैं, कोई बुक्स ले सकते हैं, उससे परफॉर्म करिए। हमारे जो जिम वाले दोस्त हैं वो भी अपने जिम में जब जाएं तो हैवी वेट ट्राई करें, हैवी वेट से एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स ब्रेक हो जाएंगी, उसके बाद आप इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और फिर ये रीबिल्ड होंगी, जिससे आपका वेट गेन होगा। लंजेस आपकी एब्डोमिनल मसल और कोर को पावर देगी। कोर और लेग्स की मसल्स पर लोड आएगा तो आपकी लोअर बॉडी की शेप भी इंप्रूव होगी। ये भी सेम ही एक्सरसाइज है, बस अगर आपके पास एरिया की कमी है, आप अपने रूम में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इस टाइप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों का काम सेम ही है। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, नॉर्मली आप सभी से परफॉर्म करते होंगे, इसी वजह से मैंने इसको शेड्यूल में रखा है। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बॉडी बिल्ड करेगी, आपके शोल्डर्स, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ये आपकी ट्राइसेप्स स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, आपके शोल्डर्स को, आपके आर्म्स को स्टेबल रखने में भी आपकी हेल्प करेगी। ये एक्सरसाइज रेगुलरली करने से आपके अपर बॉडी इंजरीज के चांसेस भी कम रहते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक बॉक्सिंग, स्विमिंग, ये सब बहुत ही इजीली आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी बैक पे काम करेगी, आपका पोस्चर भी इंप्रूव करेगी। जैसे कई घंटे तक लगातार आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ऐसे केस में आपके बैक में पेन हो जाता है, आपकी नेक में पेन हो जाता है, तो ये उन सभी पेन को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, एथलेटिक्स एबिलिटी को बूस्ट अप करेगी। और इसका सबसे मेन फायदा ये है कि ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय आपको कोई भी इंजरीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी हेल्दी वेट गेन करने के लिए। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आपको वेट गेन करना है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बताई गई एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेंगी, तभी आप एक हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों अब हम डाइट की बात करते हैं। देखिए मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि हमको ज्यादा खाना खाना है, फैट रिच फूड खाना है ताकि हमारा वेट इंक्रीज हो जाए। पर मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि हमको चर्बी नहीं बढ़ानी है, हमको मसल मास इंक्रीज करना है, हेल्दी वेट इंक्रीज करना है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको इनको फॉलो कीजिए, आपको जरूर असर दिखेगा। देखिए दोस्तों आपको वेट इंक्रीज करना है तो आपको ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, और 3 टाइम खाना खाके आप कैलोरी सरप्लस में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको हर 3 से 4 घंटे के बीच में खाना खाना है, इससे आप आराम से कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो आपका वेट इंक्रीज होगा। दोस्तों आपको न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ऐड करने हैं। वो प्रोटीन ही है जो वेट ट्रेनिंग के बाद आपकी मसल्स को रीबिल्ड करेगा। अब आपको प्रोटीन लेना कितना है, देखिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 2 to 2.2 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। जैसे आपका वेट 40 kg है तो आप 80 to 90 ग्राम तक प्रोटीन एक दिन में ले सकते हैं। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, आपको वेट इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो ये तो आपको ज्यादा लेने ही हैं। अब आपको ये कितने लेने हैं, तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 5 to 6 ग्राम पर केजी लेने हैं। जैसे आपका वेट अगर 40 kg है तो आप 200 to 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे ले सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मेरे बहुत से दोस्त सोचते हैं कि हम वेट गेनर लेके अपना वेट इंक्रीज कर लेंगे, पर अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेंगे तो मैं आपको कोई भी वेट गेनर लेने की सलाह नहीं दूंगा। सिंपल सी हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट फॉलो कीजिए, नेचुरल चीज से वेट इंक्रीज कीजिए। दोस्तों जितनी ही डाइट जरूरी है, जितनी ही एक्सरसाइज जरूरी है, उतना ही आपको रेस्ट भी जरूरी है। अब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, इतना हार्ड वर्कआउट करेंगे तो आपको रेस्ट जरूरी है, तो ऐसे केस में आपको कम से कम 8 आवर का रेस्ट लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है ताकि आपकी बॉडी अगले दिन के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो सके। दोस्तों ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है कि आपको पानी का ध्यान रखना है, अगर इसकी कमी हुई तो आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करेंगे तो इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और एक बात ध्यान रखिएगा कि खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना है ताकि आप ज़्यादा खाना खा सकें। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं, आपको हेल्दी वेट इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा रीज़न है जो आपको वेट गेन करने से रोक सके। सो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वेट इंक्रीज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं, बताए गए सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आपको फर्क दिखेगा। सो गाइस माय नेम इज अतुल, यू आर वॉचिंग माय चैनल अतुल रनर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।